नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल सी एस टेक्निकल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन सभी पेरेंट्स को देखना चाहिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन सीरियसली केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराने को इच्छुक हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम पे जो है मैक्सिमम चांसेस हैं गलती करने के। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब जो है कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि जो कैटेगरी 1 से 4 तक है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, और जो कैटेगरी 5 है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसको लेकर के एक मैंने कल छोटा सा वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा, तो आज के वीडियो है ख़ासतौर पर इसीलिए है। देखिए, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आप सबको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा तो आप इसको ज़रूर देखें। हो सकता है 10 मिनट का हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो है इसका बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं ये सेक्टर वाइज बटे हुए हैं। सिविल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, IHL सेक्टर और प्रोजेक्ट सेक्टर, टोटल 4 सेक्टर हैं। इसमें जो 2 सेक्टर हैं, डिफेंस का और सिविल के जो 2 सेक्टर हैं, इसमें क्या है, टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 से लेकर के 4 तक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और कैटेगरी जो पाँचवा है, ये वाला पाँचवा है, कैटेगरी जो पाँचवा है वो है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हों, मजदूर वर्ग से हों, या कोई और कार्य करते हों, कुल मिला के ये है कि जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो कैटेगरी 5 में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद बताती है कि IHL सेक्टर और प्रोजेक्ट सेक्टर। देखिए, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल IHL सेक्टर में और प्रोजेक्ट सेक्टर में आते हैं वहाँ पर टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं। ये जो IHL और प्रोजेक्ट के जो सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं, यहीं पर जो है कैटेगरीज चेंज हो जाती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जो IHL और प्रोजेक्ट के केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है एक्चुअल में, कि जो मान लीजिए प्रोजेक्ट के मैं बात कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट के अगर कोई प्रोजेक्ट के ज़मीन है उसके ऊपर केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है, या IHL का जो ज़मीन है उसके ऊपर अगर केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है, तो वहाँ के जो इम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 फिक्स किया हुआ है। यानी कि IHL और प्रोजेक्ट के अगर केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं तो उसमें क्या होगा कि वहाँ के स्टाफ के लिए कैटेगरी 1 हो जाता है, और कैटेगरी 2 से लेकर के कैटेगरी 5 तक, कैटेगरी 2 से लेकर के कैटेगरी 5 तक जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हो जाता है ये कैटेगरी चेंज। कैटेगरी जो आपको मैंने पहले बताया था डिफेंस और सिविल के लिए कैटेगरी 1 से 4 तक था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कैटेगरी 2 से 5 तक, मतलब कैटेगरी 2 से लेकर 5 तक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा चेंज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि कैटेगरी 1 चेंज होने की वजह से पूरा चेंजेस आ जाएंगे। अब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, कैटेगरी 6 में चले जाएंगे। वो जो प्रोजेक्ट और IHL के KVA होंगे उसमें क्या होंगे, वो कैटेगरी 6 में चले जाएंगे। तो अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर में आता है, आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है कि आप घर बैठे बैठे आसानी से पता कर सकते हैं कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो वहाँ पर जब आप कैटेगरी चेंज करेंगे तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय स्कूल है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप घर बैठे बैठे कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है केंद्रीय विद्यालय संगठन। उसके बाद आपको इसको सर्च करना है। जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज यहाँ पर खुल के आएगा आपके सामने। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ गई है। तो यहाँ पर आप सारे नोटिफिकेशंस, नए अपडेट्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। बट फिलहाल अभी हम जो टॉपिक के ऊपर बात करें उसी पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको जो राइट साइड में 3 लाइंस दिख रहे होंगे अपने कॉर्नर पर, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सेवन्थ नंबर पे वर्क्स लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्स के नीचे वर्क्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है।
उसका जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है जीआईएस वेबसाइट विद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ केवीएस, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको ओके करना है। तो कुछ अभी देखिए आपके सामने इंडिया में जितने केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं सबका यहाँ पर पता चल जाएगा, लोकेशन का पता चल जाएगा कौन कहाँ पर केंद्रीय विद्यालय स्कूल है। ये देखिए ऑल ओवर इंडिया में जितने भी 1252 केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं सबका यहाँ पर लोकेशन आ गया। जैसे मैं रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला हूँ तो मैं रुड़की उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालय का आपको स्कूल का जो है सेक्टर बताऊँगा कि वो कौन से सेक्टर में आता है। इसी तरह से आपने अपने स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का या आपके सिटी का जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उस स्कूल का आपने चेक करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने स्टेट पे चले जाना है। देखिए जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड पर आ गया। जैसे जैसे आप जूम करेंगे आपके स्टेट का दिखाता जाएगा, तो आपने अपने हिसाब से उसको चेक कर लेना है। तो जैसे मैं रुड़की का हूँ तो रुड़की जो है हरिद्वार के पास में है, तो ये आ गया हरिद्वार। देखिए ये आ गया रुड़की, आप पढ़ सकते हैं नाम। तो जब मैं ये जो लोगो दिख रहा होगा आपको नीले रंग का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको इस स्कूल की डिटेल खुल के आपके सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रुड़की, इसका जो सेक्टर है डिफेंस है। देखिए मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल डिफेंस और सिविल सेक्टर में आएंगे उसमें टोटल 5 कैटेगरीज होंगी, 1 से 4 तक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और जो पाँचवा होगा वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होगा, चाहे उसमें वो बिजनेसमैन हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हों, मजदूर वर्ग से हों या किसी और फील्ड में काम करते हों, वो सभी किस में आएंगे, कैटेगरी 5 में आएंगे। कुल मिला के ये है कि जो कैटेगरी 5 में वही आते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ, BHL का दिखा देता हूँ मैं आपको, BHL केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए केंद्रीय विद्यालय BHL हरिद्वार, इसका जो सेक्टर है वो प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट का ये जो IHL की जो जमीन होती है उस पर, उसके ऊपर अगर केंद्रीय विद्यालय स्कूल बना हुआ है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कैटेगरी 1 में प्रायोरिटी दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कैटेगरी जो है 5 की जगह 6 हो जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। देखिए ऐसी बातें शायद आपको कहीं और से ना पता चले या कहीं बहुत से लोगों को पता भी हो, लेकिन ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपने गलती से भी गलत कैटेगरी का चयन कर लिया तो आपका वहीं से मान लीजिए कि आपके बच्चे का जो एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन गाइडलाइन को जो है बहुत सख्ती के साथ फॉलो करते हैं, उसके में कोई भी भाईबंदी नहीं चलती है। तो इस बात का आपने पक्का ध्यान रखना है कि कोई सी भी छोटी सी भी गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ लगातार तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट्स आते रहते हैं। जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है उसी दिन से कमेंट्स आने लग जाते हैं, सर मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गलती कर दी, अब मैं क्या करूँ। तो इस टाइप्स के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तो अपना मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप वो सभी गलतियाँ ना करें। ओके, तो आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे चेक करना है घर बैठे बैठे। इसके बाद बात आती है कि आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है सबसे पहले मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। देखिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा क्योंकि सबसे पहले आपको काम की बात पता चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो के शुरू में आया मैं आपको लगा बोलने कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ये करें वो करें, ऐसे करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ये सब बातें जो हैं बाद में आती हैं। सबसे पहले आपके काम की बात, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में आता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। और हाँ, अगर बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास जो कमेंट्स कर रहे हैं तो अगर देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सबके रिप्लाई करूँ, अगर किसी के रह जा रहे हो तो आप वेट करें, अभी मतलब कुछ टाइम बाद मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा। अगर ऑन द स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँगा तो कुछ टाइम बाद रिप्लाई कर दूंगा। और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर भी आपको मैं रिप्लाई दूँ। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर किसी को केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन कराना हो तो आप चाहें तो मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, जिससे क्या होगा कि और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं तो आप चाहें तो औरों की भी हेल्प कर सकते हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।